अच्छा, आजकल एक बहुत फेमस कहावत हो गई है कि जिंदगी के लिए बीमा और एंटरटेनमेंट के लिए साउथ का सिनेमा लोगों की पहली चॉइस बन गया है। बहुत ही बढ़िया। नमस्ते, मैं बहुआ। नमस्कार, मैं हूँ रौनक। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि साल 2021 की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टॉप 10 ग्रॉसर्स में सिर्फ दो बॉलीवुड फिल्में हैं जिन्होंने जगह बनाई है। एक हॉलीवुड की है और बाकी सब साउथ वाली है। पुष्पा, पुष्पराज की सक्सेस और अल्लू अर्जुन का क्रेज देखकर तो बाबा एक ही बात बोलनी पड़ेगी कि क्या आदमी है यार ये, खुद तो झुका नहीं लेकिन नॉर्थ इंडिया में अपने सामने खड़ी हर फिल्म को झुका के बंटास की गोली दिए जा रहे हैं। बढ़िया था वो सिनेमा। तो सिनेमा आज ये ओटीटी पर भी रिलीज होगी और वहाँ भी इसको उतना ही प्यार मिला। असली बात, असली जादू तो अल्लू अर्जुन का है भाई साहब, उनकी जम के तारीफ हो रही है। 17 दिसंबर को सिनेमा घरों में पुष्पा रिलीज हुई थी। वो ऐसा टाइम था जब स्पाइडरमैन पैसे हमारे जेब से घसीट रहा था, थिएटर में पैर रखना छोड़ो पॉपकॉर्न सूंघने को भी नहीं मिल रहा था, और अपने अल्लू भाई ऐसी फिल्म के सामने भिड़ गए। वेल डन भाई साहब, गुर्दा चाहिए ऐसे डिसीजन के लिए, गुर्दे से ज्यादा गुर्दे में दम चाहिए उस डिसीजन पर अड़े रहने के लिए। आर आर आर, राधे श्याम, वाली मई और जर्सी जैसी फिल्में भी ओमिक्रॉन के डर से थिएटर रिलीज से रोक दी गई हैं। आरआरआर के लिए तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये फिल्म अगले 6 महीने के अंदर रिलीज नहीं हुई तो ट्रेड एनालिस्ट बोल रहे हैं बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मगर पुष्पा से क्लैश के बाद कंडीशन ये हो गई कि स्पाइडरमैन को भी थिएटर्स में इसने पछाड़ दिया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट कई सारे सिंगल स्क्रीन से तो 83 को हटा के इसको लगाने की भी खबरें आ रही थी। फिल्म ने तो योकोजुना जितना तगड़ा बिजनेस कर लिया भाई साहब, ब्लॉकबस्टर भी साबित हो चुकी है। और सिर्फ हिंदी के अंदर ये क्रेज है, बाकी लैंग्वेजेस में तो पूछिए मत। इसी ने अल्लू अर्जुन को ये कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने इसका पार्ट 2 इंडिया की मैक्सिमम लैंग्वेजेस में लाने की बात कर दी। कहावत है कि आदमी बलवान हो तो पहलवान की लंगोट भी ढीली कर दे। पुष्पा का बॉक्स ऑफिस रन ऐसी ही कहानी बताता है। इतनी मुसीबतों के बाद भी ये 2021 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। इसने अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को भी पीछे छोड़ दिया। हिंदी बेल्ट में ये फिल्म सक्सेस की एक केस स्टडी बन गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों साउथ का सिनेमा लगातार हिंदी सिनेमा को सक्सेस और कंटेंट के मामले में पीछे छोड़ रहा है। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण, रिस्क। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सबसे पहले तो साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, खासकर तेलुगु सिनेमा। हर लेवल पर खुद को प्रूव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाहुबली के बाद से हर कोई 300, 350, 400 करोड़ की फिल्में बनाने की बात कर रहा है। हर बदलते टाइम के हिसाब से, चाहे नई टेक्नोलॉजी यूज करना हो या नए कैमरा एंगल्स, इस इंडस्ट्री ने ग्रेजुअली खुद को लगातार प्रूव किया है। बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी रेंज, जो लगातार कम होती दिख रही है। मल्टीप्लेक्स पर हॉलीवुड फिल्में कब्जा जमा रही हैं और सिंगल स्क्रीन पर साउथ ये अपना बेस्ट कंटेंट ऑल ओवर इंडिया में दिखाने के लिए इतने भूखे नजर आते हैं कि खाने को मिले तो पूरा मार्केट खा जाए उस लेवल पर है कि नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेंट। ये साउथ से नॉर्थ तक बड़ी आसानी से पहुंचे। यूट्यूब ने फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी फिल्मों को लोगों के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाया है। अब तो ये उन फिल्मों से इतने फेमिलियर हो चुके हैं कि देखकर पब्लिक ये बता देती है कि कौन सी बॉलीवुड फिल्म किस साउथ की फिल्म से इंस्पायर्ड। रीमेक की तो भाई साहब ऐसी लाइन लगी है कि आने वाले टाइम में 10 बॉलीवुड फिल्में रीमेक होंगी जिसमें विक्रम वेधा जैसी फिल्म भी है। अरे चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ। अल्लू अर्जुन की ही अला वेंकट पुरमलो के बारे में खबर आई है कि इसके रीमेक बना रहे प्रोड्यूसर्स ने 8 करोड़ गोल्ड माइंस फिल्म्स को दिए हैं ताकि उस फिल्म का हिंदी वाला वर्जन ना आए। क्यों? क्योंकि अगर वो आई तो रीमेक देखने कौन जाएगा भाई। चुप हो जाओ। इसी चीज को लेकर सलीम खान ने भी कमेंट किया था कि इंडस्ट्री में अच्छे राइटर्स की कमी है। दूसरी तरफ साउथ के पास अच्छे राइटर्स की कोई कमी नहीं है। मिन्नल मुरली जैसी बेहद छोटे बजट की फिल्म को भी कितने बेहतरीन तरीके से दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदी मूवी इंडस्ट्री में 200 करोड़ की बजट वाली फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसे पिट जाती है कि पूछो ही मत। सलमान, शाहरुख, आमिर और अक्षय जैसे सुपरस्टार्स के अलावा बॉलीवुड के पास इस टाइम कोई ऐसा स्टार दिखाई देता है आपको जो लोगों को थिएटर तक खींच सके? बताइए। मैं तो बोलता हूँ अगर कंटेंट इनके पास नहीं होगा ना तो इनको भी देखने के लिए लोग नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल सलमान भाई की देखो अंतिम, उसको देखने लोग थिएटर नहीं गए, ओटीटी पर आने का इंतजार किया लोगों ने। और यहां पर अल्लू अर्जुन के लिए थिएटर के बाहर लाइन लगी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बिना कोई हिंदी फिल्म की अल्लू अर्जुन की पुष्पा दो बड़ी फिल्मों के साथ टक्कर के बाद भी लोगों को थिएटर तक कैसे खींच के ला रही है। यहीं पर एक और बात दिमाग में आती है, पब्लिक इमेज। जी हाँ, 3 इडियट्स, बजरंगी भाईजान, पीके जैसी फिल्मों को छोड़ दें तो इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स कोई ओरिजिनल स्टोरी के साथ आए हैं क्या? बताइए। बायोपिक की भीड़ और एवरेज कंटेंट वाली फिल्मों के चलते लोगों की नजर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर इमेज डाउन हुई है। ड्रग्स के स्कैंडल्स और सुशांत सिंह राजपूत के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद से तो लोगों का और भी गुस्सा बढ़ गया है। रही सही कसर राधे, सत्यमेव जयते 2 और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों ने पूरी कर दी है। दूसरी तरफ इस वैक्यूम को भरने के लिए साउथ का सिनेमा पूरी तरह से तैयार नजर आता है। इसलिए पब्लिक इस टाइम पर अगर सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसी फिल्म को लेकर है तो 10 में से 8 लोग किसी साउथ इंडियन पैन इंडिया फिल्म का ही नाम लेंगे। और यही चीज साउथ की सिनेमा को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और ये जरूर लिखना कि वीडियो आप देख कहां से रहे, और पुष्पा, पुष्पराज ये आपने थिएटर में देखी या हिंदी वाली ओटीटी पे, ये भी कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना।